जब मैं मीटिंगें देखता हूँ इन बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज की, वो 15 मिनट लग जाते हैं कि अपनी फैमिली का शुक्रिया करते हो, अस्सलाम वालेकुम जनाब चौधरी मुर्शद साहब, अस्सलाम वालेकुम जनाब चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम, पता लगता है कि फैमिली खत्म हुई, दूसरों की बारी तो आनी नहीं है। सही है, तो इसलिए ये कोई ठेका किसी ने पाकिस्तान का नहीं दिया हुआ। हम चाहते हैं देखें 9 मई को जो हुआ वो सबको कंडेम करना चाहिए, और मैं समझता हूँ ये जो हमारा सोशल मीडिया है इसने हमारे दुश्मनों का साथ दिया। माजरे के साथ ये बात करूँ, कोई कोई इसको गलत उसमें ना ले कॉन्टेक्स्ट में, इसलिए कह रहा हूँ कि अब दुनिया के अंदर कन्वेंशनल वॉरफेयर ख़त्म हो गई। आपने देख लिया कि जो मिथ थी कि जनाब ये नाकाबिले तस्खीर रियासत है, उसके पटाखे निकाल दिए हमास ने, आपने देख लिया। तो इसराइल अगर हमास को और फलस्तीनियों को पर काबज नहीं हो सका, जिसके पीछे आज अमेरिका भी खड़ा हो, अफगानिस्तान ने भी मिथ तोड़ी थी 2 सुपर पावर्स की बल्कि 40 मुल्कों की, आपने देख लिया था, पहले रूस की फिर अमेरिका की, मैं मिथ की, वो मिथ जब टूट गई तो इसलिए कन्वेंशन वॉरफेयर तो ख़त्म होगी ना। इसराइल जैसी ताकत जिसके पीछे पूरा अमेरिका खड़ा, हमास को वो नहीं लिटा सकता। कितने दिन हो गए, कितने कुर्बानियां दे चुके हैं वो नहीं। तो कौमों को इस वक्त पता करने के लिए एक ही चीज़ है कि इदारों को लड़वा दें, फासले पैदा कर दें, और अवाम के और इदारों के दरमियान इतना फासला क्रिएट कर दें कि दुश्मन को अटैक करने की ज़रूरत ना हो, अपने ही लोग अपने खिलाफ खड़े हो जाएंगे। ये हमारे सोशल मीडिया, इसको कहते हैं 5th जनरेशन वॉरफेयर। तो 5th जनरेशन वॉरफेयर ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। यहाँ पर उन्होंने सैकड़ों नहीं हज़ार से ज़्यादा लोग लिए हैं, कोई कहता है 10,000 है, कोई कहता है 5,000 है, जिनको तनख्वाह हमारे दुश्मन दे रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे एक ही काम करी जा रहे हैं, ट्विटर के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, वीलॉग के ज़रिए, कि बस एक अदारों को गाली देते रहो और आवाम और इदारों के दरमियान जो है वो वहाँ पे इख्तलाफ पैदा कर दें, जो मैं समझता हूँ कि हमें नहीं करना चाहिए। हमें एक ऐसा माहौल पैदा करना चाहिए कि पाकिस्तान को हम मजबूती की तरफ लेकर चलें। इसको एक नजरियाती मुल्क है, ये अल्लाह ताला ने हमें एक नेमत, एक तोहफा दिया था 27 रमज़ान को, हमने इसका वो तशक्कुस जो है बहाल करना है, जो एक इस्लामी नजरियाती रियासत सोशल वेलफेयर स्टेट है। इस पर मैंने बहुत मेहनत की है, हमारा मैनिफेस्टो भी जो है वो चंद दिनों में छपने गया हुआ, वो आ जाएगा, हर सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो गवर्नेंस है, चाहे वो इकॉनमी है, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी है, चाहे वो लेबर में बात है, चाहे वो ओवरसीज पाकिस्तानीज की है, वो सारी बातें हमने उसके अंदर रखी हैं। हर अपने जो हमने प्रॉब्लम और सॉल्यूशंस दिए हैं, उस सॉल्यूशन के साथ एक पोजीशन पेपर लगाया है, जो कि हमने बहुत मेहनत से तैयार किया है, जो बताएगा कि इस मुल्क को किस कदर पर हमने लेकर चल रहा है, वो इंशाल्लाह चंद दिनों में सामने आ जाएगा, तो मैं वो भी पेश करूँगा। और ये अगर अलायंस हमारा, कल मैंने कोई 15-20 लोगों को दावत दिए, कुछ और लोग भी फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे साथ शामिल होंगे, और कोशिश हमारी ये है कि हम इस मुल्क के अंदर ये जो इस वक्त एक फ़ज़ा है जो कि अपर दूर है, ये थोड़ी सी छटे, धुंध थोड़ी सी दूर हो, लोगों को कोई उम्मीद की किरण लगे, इस वक्त कोई उम्मीद नहीं है लोगों, क्योंकि वो देख रहे हैं कि जिन लोगों को ले आना है वो आवाम के लिए, माजी उनका अगर देखें तो आगे मुस्तकबिल नज़र नहीं आता, अंधेरा नज़र आता। तो हमने, हमारा ये किसी वक्त ज़िया फाउंडेशन का, दौलत शरीफ फाउंडेशन का बनाई थी, तो हमने एक स्लोगन दिया था, मिनत ज़ुलमात लड्डू, कि जुल्म से रोशनी की तरफ, अंधेरे से रोशनी की तरफ, तो वही इस वक्त इस कौम को ज़रूरत है, इस यूथ को ज़रूरत है। दूसरा, ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए भी हमने फुल तैयार किया सेक्शन अपने मैनिफेस्टो में। मैं समझता हूँ कि रीढ़ की हड्डी जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानी है, इस मुल्क की इकॉनमी के, और इस वक्त हमने उनको नाराज़ किया हुआ है, हमने उनके लिए रास्ते खोलने हैं। हम ये प्रपोज करेंगे कि उनको वोट का भी हक दिया जाए और उनको पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन लड़ने का भी हक दिया जाए, या उनके लिए रिज़र्व सीट्स रखी जाएँ, क्योंकि पाकिस्तान के 34 अरब डॉलर जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज के आते थे यहाँ पे,
वो ओवरसीज पाकिस्तानीज के जरिए आते थे। और इस वक्त ये हाल है कि हमें 20 मिलियन तो भी नहीं रहने, जो रिमिटेंसेज हमारे, मुझे नहीं पता कोई नाराजगी की वजह से किस वजह से। इसी तरह हमारी डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है, अरे मैं इकॉनमी पे ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, कल इंशाल्लाह कश्मीर से बात करेंगे, प्रेस को ही मैंने लाहौर में दावत दी है। मैं कहा आज अपने हल्के के हवाले से, अपनी सोच के हवाले से, और आने वाले दिनों में हम क्या कोशिश कर रहे हैं। कामयाबी नाकामी अल्लाह के हाथ में है, हार जीत अल्लाह के हाथ में होती है, इज्जत ज़िल्लत अल्लाह का, बाकी हम बैठे हैं यहाँ कोशिश करते रहेंगे। मुझे पंजाब के मसायलों के बारे में वो सारे मामला जो है वो देखें, हमने इतनी कोशिश की इस हल्के के अंदर, ये बैठे मैं इसलिए नहीं कह रहा कि चौधरी मुर्जा मेरे साथ बैठा हुआ, ये वाइटल ने अपनी जेब से पंजाब के बजट से ज़्यादा यहाँ कंट्रीब्यूट किया, चाहे वो आप हॉस्पिटल ले लें, चाहे वो आप दस्तरखान ले लें, बात करने वाली नहीं, चाहे वो आप अभी देख लें कि जो इन्होंने शहर की खिदमत की है। उसके बावजूद जब 2002 में यहाँ आया था, 190 गांव में बिजली कोई नहीं, सुई गैस हमने ले जाने की कोशिश की, लेकिन लोग मुझे समझ नहीं आती कि खुश क्यों नहीं होते, क्या वजह है, कोई हमने कोई गलती की कि नाराज़गी करते हैं, हमने शराबत की सियासत की, ईमानदारी की सियासत की, कोई कमीशन नहीं लिया, कोई इल्ज़ाम नहीं लगा हम पे। यहाँ मैं आपको प्रूफ के साथ ला के देता हूँ कि हमारे अलावा जो MLA यहाँ जीत कर आए हैं, मेरे पास प्रूफ थे, मैंने खास जिक्र नहीं किया, अल्लाह ताला बख्शे सबको, मतलब जो नहीं है दुनिया में जो है उनको भी। एक ही सियासत होती थी कि हल्के में आवाम को नहीं मिलने आना, लेकिन जिस दिन कमीशन लेना है उसे चेक ले जाना। अच्छा सर, आपने अलायंस की बात की है, ये PDM की तरफ का कोई अलायंस होगा और इसमें नहीं, इसका बेसिक जो है कंसेप्ट क्या है कि इसमें छोटी छोटी जमातें होंगी, क्या PTI वाले भी इसमें हैं या इस तरह का कोई आपका है उनसे बात करने का? जमात के साथ हम कोशिश करेंगे बात करने की, जैसे मैंने साथ रिजवी साहब से बात की है, मरकजी मुस्लिम लीग से की है, कल का मैंने टाइम उनके साथ तय किया हुआ, हो सकता है कल हम ये भी अनाउंस कर दें कि वो और हम मिलकर इलेक्शन, ये सबसे पूछेंगे सर। अच्छा सर, जिस तरह आपने दोषी तो मैं कर रहा हूँ, अजाज साहब अगर हमारी पार्टी कहीं अभी ये नया तरीका आया है कि वो पार्टी में बैठ जाते हैं अपने बच्चों को लेके, दोस्तों को लेके, भाइयों को लेके, बाप को लेके, फिर पार्टी कहती है कि हमारा वजीर आजम ये होना चाहिए, अगर मैं कोशिश कर रहा हूँ तो शायद। सर 2018 में आपने इलेक्शन लड़ा PTI के साथ, सीट एडजस्टमेंट थी, 2023 में भी आप सीट एडजस्टमेंट की है, तो अभी ऐसी क्या वजूहत हुई कि आप सीट एडजस्टमेंट छोड़ दी है, ये आपने छोड़ी या उनकी तरफ से बयान था? और दूसरा सवाल ये कि आपका जो मंशूर है वो अभी तक नहीं आया, इलेक्शन सर पर आ गए तो किस तरह आप आवाम को मोटिवेट करेंगे, किस तरह आपको वोट? हमारा मंशूर छापने के लिए गया हुआ, इंशाल्लाह मैंने भी इतनी लंबी बात की आपने भी सुनी नहीं मेरी बात। जी जी सर, अगर सुन लेता तो ये सवाल ना करते सर। वो दूसरा सवाल दूसरा सवाल ये है कि 2018 के इलेक्शन में हमने एक रिट की थी PTI के MLA के खिलाफ, वो रिट कबूल हो गई थी और वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे, तो PTI की तरफ से पेशकश आई थी कि हम अपने MPA को उठाते हैं, कौमों के साथ मिलकर लड़ें। में जो प्लाजा पे जो है पता नहीं, वो टेस्टर लगाया होगा उन्होंने देखने के लिए, तो मौलाना साहब ने शायद रिक्वेस्ट कर दी हो या किसी और ने। अच्छा लेवल कहते हैं आपसे अंदर की खबर होती है, कासिम के अब्बा को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देंगे? कासिम की अम्मी से पूछो। अच्छा सर, लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो कह रहे हैं आपको नजर आ रहा है कि इसमें कुछ चांस है बनता नजर आ रहा है फ्यूचर में? कर लो, हम तो खुद ही इसी चक्कर में हैं, क्योंकि हमारा भी यहाँ पे परेशानी का सामना है, था भी, ये शुक्र है कि मेरे पे क्योंकि 3 मिले हुए थे, उसमें और अभी भी हालात ऐसे हैं, कल हमारे बड़े अजीज मौलाना साहब थे महमूद साहब, उनका जो हुआ है वहाँ पर, तो मैंने फिर लिख के भेजा था IG को और प्रीवियस मिनिस्टर को और इंटरम गवर्नमेंट को कि मेरी जितना पहले सिक्योरिटी थी वो बहाल की जाए, तो उन्होंने थोड़ी सी मेहरबानी की है, तो मैं समझता ये एक कदम है लेवल प्लेइंग फील्ड की तरफ। सर इलेक्शन 2018 में एक बंदा बाइक से आया तो यहाँ पे आके आवाज़ को बड़े बड़े दावे किए कि इलेक्शन ये थे कि बात हम यहाँ से जो स्टार्टअप लगाएंगे तो वाइट कलर के लोगों को रोजगार देंगे,
वो आवाम कहती है कि वो जो दावे थे वो आवाम को सीधा बनाने के लिए। अब जनरल इलेक्शन की तरफ आप जा रहे हैं तो यकीनी तौर पर आवाम हैदराबाद के अपना साथ दे दिया। क्या इलेक्शन जीतने के बाद आप हुकूमत के खाते करेंगे वो फंड लाएंगे जैसे आप कब चाहते हैं? भाई अगर ये आवाम कामयाब हो गए तो भूलते खुद हमारे पास आएंगे चल रही। अल्लाह करे हमारे जो हैं अच्छे दोस्त हैं अगर वहाँ में इकट्ठे मिल के लड़ेंगे और हमने एक दूसरे से ये वादा किया कि हम इकट्ठे रहेंगे इकट्ठे लड़ेंगे तो इंशाल्लाह इंसान की कोशिश जद्दोजहद ही होती है। हमारी मिसाल तो सामने आके के बगैर हुकूमत में हुए भी आवाम की खिदमत नहीं छोड़ी। सर आपके आने से पहले अली नहीं फोटो पास से लेके सर सीन वहाँ भी ये था कि जो सर ये जो सैनिक में अभी किया हुआ था कि इस इलाके में बिजली और सड़कें इसलिए नहीं बन सकती कि इंडिया हमला कर देगा थी वो वहाँ डरे हुए थे। आपके आने के बाद उनका वो खौफ होता है कि यार बिजली भी लग सकती है या सड़क बन सकती है। हमने यहाँ तक भी किया था कि जो आईटी हुआ पाकिस्तान की तारीख में जब महीने लगी थी बॉडी पे जितने किसान थे जिनके फील्ड में मायने लगी थी उनको मैंने खुद जाकर जीएसटी में मीटिंग करके उनके पर कन्वर्सेशन। जी सर ये जो सेनेट में अभी इलेक्शन को पोस्टपोन करने के हवाले से करारदाद पेश की गई है इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि 8 फरवरी को इंशाल्लाह इलेक्शन हो रहे हैं इसीलिए यहाँ बैठे हैं इसमें इन चीज़ों पे गुफ्तगू करने का मतलब ये कि अब आप एक दफ़ा 8 फरवरी का आ गया। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आजकल एक दो केस लगे हैं उस पर एक पे तो मैंने ट्वीट करके वो सारी डिटेल दे दी थी तो आप लोगों ने अगर ट्विटर पर देखा होगा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का केस है साहब को बना नहीं देते वहाँ तक उसके वालिद साहब। दूसरा केस ये लगा हुआ है एली ना एली का जिसको कहते हैं 62-1F। बार बार चीफ जस्टिस साहब एक ही बयान दे रहे क्योंकि एक शख्स ने इसको दिया ठीक है कि नहीं आप सुन रहे होंगे रोड अगर जहाँ से वो सोकर उठता है तो वही शख्स याद आता है सोने के लिए जाते हैं वही शख्स याद आता है उधर बैठते हैं वही शख्स याद आते हैं लाइव प्रोग्राम दिखाते हैं। मैं बड़े अदब के साथ मैं आपको ये कहना चाहता हूँ 1985 की असम्बली ने 8वीं तरमीम पास की ठीक है कि नहीं 62-63 उसके अंदर उसका हिस्सा थे जिसको कहते हैं सादिक और अमीन। इसमें कोई शक नहीं सादिक और अमीन पैगंबरों के अलावा कोई नहीं हो सकता लेकिन एक क्राइटेरिया तो होना चाहिए ना कि मैं पूरे मुल्क को लूट के चला जाऊँ और रुके ये सादिक और अमीन है तो बहुत ज़्यादा वाली बात है। अगर एक शख्स ने वो बनाया था तो 8वीं तरमीम कोई अंडू हुई बताएं ना पूरी पार्लियामेंट ने और सेनेट ने दो तारीख सरिये से उसको पास किया। उसके बाद कितनी हुकूमतें आई 1988 की हुकूमत आई 1990 की आई 1993 की आई 1997 की आई 2002 की आई 2008 की आई 2013 की आई पाकिस्तान की तारीख पूरी पड़ी हुई है यहाँ किसी असेंबली ने 62-63 को छेड़ा फिर ये किस तरह कह रहे हैं कि आप एक शख्स ने इसको बनाया यानी ये बात करना अच्छा लगता है पब्लिक के अंदर कि आप एक ही शख्स के पीछे बात करें। आप ये तो देखें ना उसके बाद नवाज शरीफ वजीर आजम बेनजीर वजीर आजम इमरान खान वजीर आजम उसके बाद मार्शल लॉ जनरल मुशर्रफ का मार्शल लॉ उसके बाद जनाब सारा में फिर गिलानी साहब फिर सारे के सारे गुजर गए। अब 63-1 अब याद आ रही है तो भाई उनको पकड़ के बुलाओ उनको सुना दो। आप एक शख्स के पीछे बात कर रहे हैं सीडियो के अंदर एक पार्लियामेंट का 4वीं तरमीम आई है उसके बाद कितनी आई है 19वीं तरमीम आई है उसके बाद 8वीं तरमीम से लेकर 19वीं तरमीम कितनी बड़ी 8वीं तरमीम से लेकर कितनी बड़ी 11 तरमीमों में आपको नहीं नजर आया 63 वाले सर आप तो सर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए। बात यह है मैं ये कह रहा हूँ कि बड़े मुद्दे उखाड़े हैं 20 लाख केसेस जो हैं वो पेंडिंग पड़े हैं लोग दर बदर हो गए बाप से लेके शुरू होते हैं और पोता और पोते से अगली जनरेशन तक केसेस हल नहीं होते और आपको फिक्र पड़ी हुई है जनाब के ये सही हुआ ये गलत हुआ ये एक शख्स ने किया ये दो शख्सों ने किया
कितनी तरमीमें गुजर गई हैं? 11 तरमीमों में तब्दीली आई नहीं है, और जियाउल हक ने गलती कर दी थी भाई, जियाउल हक ने गलती की, तो ये सारे जितने सियासतदान है सारे गलत है। तो सर आपको इस जो मौका है जो ये 8वीं तरमीम ना 18वीं तरमीम, तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए ताकि कि शुक्रिया सुप्रीम कोर्ट जाना है। पहले पत्थर पे लकीर के बारे में सवाल दीजिए के तो किसी से बात नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट जाऊँ। अच्छा सर।